पिछले एपिसोड के एंड तक हमने देखा सुनन को इस एकेडमी के अंदर एडमिशन मिल चुका है। इसके लिए सुनन ने एक बहुत शानदार सा एग्जाम दिया था और इस एग्जाम के एक ही प्रदर्शन को देखकर एल्डर्स खुद आगे बढ़कर सुनन को एडमिट कर लेते हैं। इसके साथ ही चैनवुडी को भी एडमिशन मिल जाता है। यहाँ से हम 3 दिन बाद देखते हैं इस एकेडमी के अंदर हर एक डिसिपल को घर अलॉट किए जाते हैं। सुनन को ये घर अलॉट हुआ है। इस घर के बाहर सुनन आराम से अपना कल्टीवेशन कर रहा है। 3 दिन तक कल्टीवेशन के बाद में सुनन जब नया खुलता है तो वो कहने लगता है, इस 3 दिन के अंदर ही मैंने 2 बार ब्रेक थ्रू कर लिया है। अब मैं वॉरियर के 6 स्टेज पे पहुंच चुका हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत शानदार अचीवमेंट है, लेकिन ये मेरा गोल नहीं है। मेरा मेन गोल है किसी भी तरीके से डिमोनिक स्किल को आगे पहुंचाना, लेकिन इसके अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये अभी भी एकदम इनिशियल स्टेज पर है। मुझे याद है मास्टर ने कहा था, केवल एक जगह बैठकर कल्टीवेशन करने से मेरा ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता हूं। मुझे साथ में फिजिकल फाइट्स भी करनी होगी, तभी जाकर ये डिमोनिक स्टाइल आगे बढ़ेगा। यानी कि अब टाइम हो चुका है इस एकेडमी को पूरी तरह देखने का, स्पेशली यकी एरिनास को विजिट करने का। जगते सुनैन अपने पास से एक लेसन बाहर निकालता है जिसके ऊपर उसका नाम लिखा है और साथ में लिखा है उसके पास में 100 पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स अजूरिया स्काई एकेडमी की सबसे शानदार चीजों में से एक है। इन पॉइंट्स का यूज करके कोई भी डिसिपल कल्टीवेशन के रिसोर्सेज, पिल्स, फाइट में यूजर इक्विपमेंट्स और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों को खरीद सकता है। एकेडमी के हर एक डिसिपल को हर महीने 100 पॉइंट्स दिए जाते हैं। अगर किसी डिसिपल को एक्स्ट्रा पॉइंट्स चाहिए तो उसे एक्स्ट्रा मिशन को कम्प्लीट करना होगा। ये मिशन्स भी एकेडमी के द्वारा ही स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। इन मिशन्स को करते वक्त उन्हें बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स और काफी सारे ट्रेजर मिल सकता है जिन्हें पॉइंट्स की तरह यूज किया जाएगा। लेकिन इस तरीके में एक कमी है, इस तरीके से पॉइंट्स को कलेक्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि मिशन्स काफी ज्यादा लंबे होते हैं। अगर किसी को और भी ज्यादा जल्दी पॉइंट्स चाहिए तो उसे एरिना के अंदर फाइट करनी होगी। एरिना के अंदर कल्टीवेटर्स आपस में लड़ते हैं, जो कल्टीवेटर जीतता है उसके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं और जो हारता है उसके पास से पॉइंट्स को कम कर दिया जाता है। इस सब के बाद में वो लोग जो कि बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकते हैं उन्हें भी अपने पॉइंट की इंक्रीज करने का एक मौका दिया जाता है। इसी एरिना के अंदर फाइट कर रहे कल्टीवेटर्स के ऊपर ये अपनी तरफ से अपने पॉइंट्स लगा सकते हैं और फिर उम्मीद कर सकते हैं जिस कल्टीवेटर के ऊपर उन्होंने पॉइंट लगाए वो फाइट के अंदर जीत जाए। इन्हीं सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में सुनैन इस एरिना के एकदम बाहर पहुंच जाता है और फिर अपने मुंह पर एक मास्क लगाते हुए कहने लगता है, मैं नहीं चाहता यहाँ के ज्यादा लोगों को मेरे बारे में पता चले। इस फाइट को मैं बिना अपनी आइडेंटिटी को सामने लाए करूंगा और वैसे भी यहाँ पर मास्क लगाने या फिर न लगाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। मास्क तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन डिस्पल्स में ऑप्शन होता है वो किस तरह का मास्क लगाना चाहते हैं। मैं ये मास्क लगा रहा हूँ ताकि पूरे चेहरे को ढक सकूं। ये सुनने सामने तो देखता है सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन जैसा कुछ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है इस एरिना के अंदर सबसे ताकतवर फाइटर्स कौन है और इन्होंने अब तक लगातार कितनी फाइट जीती है। इस स्क्रीन के ऊपर मेनली 3 बंदों के नाम लिखे हैं, केवल 3 बंदों के नाम ही यहाँ पे लिखे जाते हैं। इसके बाद में सुनैन अपने टेलीफोन को बाहर निकालता है और उसकी मदद से इसी स्क्रीन के ऊपर फाइट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर देता है। इसके साथ ही सुनैन का पॉइंट भी डिसाइड हो जाता है। इसी के साथ इस फाइट में सुनैन के 100 पॉइंट्स दाव पे लग जाते हैं। इसके बाद में वो सामने की तरफ एरिना में एंटर करता है। वहाँ पहले से एक बंदा है जिसने शेर का मास्क पहना हुआ है। वो सुनैन को देख कहता है, तो तुम हो वो जिससे मेरी फाइट होने वाली है। सुनैन कहता है, हाँ मैं वही हूँ। कल्टीवेटर कहता है कि सच में तुम उससे फाइट करना चाहते हो, तुम्हें पता है ना हम दोनों का कल्टीवेशन गैप बहुत ज्यादा बड़ा है और इसके अलावा मुझे ये पता चला है इस एकेडमी के अंदर तुम एकदम नए नए आए हो, किसी भी फ्रेशर के लिए मुझसे फाइट करना काफी खतरनाक हो सकता है। सुनैन कहता है, कैसा रहेगा ये बेकार की बातें बंद करके हम जल्दी से फाइट शुरू करें। सुनैन के तकने के साथ ही फाइट शुरू हो जाती है। वो कल्टीवेटर तेजी से सुनैन तक भागने लगता है, उसके पास में आकर उसके ऊपर मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर सुनैन की रफ्तार तेज होती है। सुनैन पहले ही उस कल्टीवेटर के पेट पर अपना मुक्का मार देता है जिसके साथ ही वो कल्टीवेटर सुनैन से दूर गिर जाता है। सुनैन कहने लगता है, देखिए मेरी पावर, तुम कह रहे थे ना कल्टीवेशन गैप बड़ा है, ये गैप उतना बड़ा नहीं है जितना तुम सोच रहे थे। सुनैन की इन बातों से कल्टीवेटर डरने लगता है। सुनैन कहता है, अभी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये फाइट तो एकदम शुरू हुई है, तुम्हारे पास में काफी सारी कॉम्बैट की स्किल्स है, उन सभी का इस फाइट में यूज करो, मुझे दिखाओ तुम कितने पावरफुल हो, इससे मुझे पता चलेगा मैं कितना पावरफुल हूँ। कल्टीवेटर कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर अपनी सबसे ताकतवर स्किल यूज करने वाला हूँ। ये कहते हुए ये अपोनेंट कल्टीवेटर अपने हाथों के अंदर कुछ एनर्जी इकट्ठा करके उसे तेजी से सुनैन के ऊपर अटैक कर देता है। इस अटैक को देखकर सुनैन भी तुरंत अपनी बॉडी के अंदर थोड़ी सी कल्टीवेशन एनर्जी इकट्ठा करता है और फिर इस कल्टीवेटर के हाथ के ऊपर ही अपना मुक्का मार देता है। दोनों के हाथ एक दूसरे से टकरा जाते हैं। इस बार ये एक ड्रॉ होता है, दोनों ही एक दूसरे से दूर खिसक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सुनैन तो संभाल लेता है, लेकिन ये दूसरा कल्टीवेटर को संभाल नहीं पाता, ये उछल के जाते हुए मुक्के पर जमीन पर गिरता है। इसी के साथ इस फाइट के अंदर सुनैन की जीत जाती है। सुनैन कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इसके अंदर सुनैन लगातार कई सारी फाइट्स लड़ता है और एक के बाद एक उन सभी कल्टीवेटर्स को हराता जाता है जो कि उसे फाइट करने के लिए आते हैं। ऐसे करते करते उसने लगभग 10 कल्टीवेटर्स को हरा दिया है जो कि किसी भी फ्रेशर के लिए एक काफी अच्छी अचीवमेंट है। इसके बाद में ये एरिना फाइट खत्म हो जाती है। सुनैन सीधे अपने घर पहुंच जाता है
और यहाँ पहुंचकर अपना कल्टीवेशन करने लगता है। इस फ्लैट के अंदर उसने जितनी भी एनर्जी इकट्ठे की होती है उन सभी को वो अपने डिमोनिक स्टाइल के ऊपर लगा देता है और तेजी से ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है। इस स्थिति से रात हो जाती है। रात में सुनैन एक पत्थर के ऊपर जोर से मुक्का मारता है। यहाँ पर सुनैन के हाथ की स्पीड और ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है उस पत्थर के टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर सुनैन खुश होता बोलता है, ये काम कर रहा है, मैंने फाइनली अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है। अब मैं डिमोनिक गॉड स्टेज के फर्स्ट स्टेज से आगे बढ़ चुका हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरी पावर इतनी तो बढ़ चुकी है कि मैं स्टारलाइट लेवल के थर्ड स्टार कल्टीवेटर को हरा दूंगा। अब बस मुझे कुछ टाइम और कल्टीवेशन करना है, किस तरीके से अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाना है, उसके बाद में ये थर्ड स्टेज कल्टीवेटर भी मेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। ये सब कहने के बाद में सुनैन वापस से अपने कल्टीवेशन काम में लग जाता है और कोशिश करता है दोबारा से अपना ब्रेक थ्रू करने की। इसी टाइम पर उसे अपनी मम की याद आने लगती है जो कि क्वीन फैमिली के अंदर कैद है। ये याद करके सुनैन को बहुत गुस्सा लगता है, लेकिन वो इस टाइम पर क्वीन फैमिली से फटकने के लिए नहीं जा सकता क्योंकि वहां पर कब से ऐसे कल्टीवेटर है जिनकी पावर बहुत ज्यादा है। इसी टाइम पर सुनैन घर के गेट पे क्वीन नॉक करता है। सुनैन बाहर के देखता है, ये चैन वुडी है। चैन वुडी सुनैन देते कहता है, सुनैन जल्दी से मेरे साथ में चलो, हम पहले काफी लेट हो चुके हैं। ये सुनते सुनैन बिना कुछ सोचे चैन वुडी के पीछे भागने लगता है और फिर से कहता है, वैसे हम जहाँ कहाँ पर रहे हैं। चैन वुडी कहता है, एक बहुत ताकतवर लड़की को देखने। सुनैन कहता है, क्या सच में केवल एक लड़की के लिए तुम मुझे कहीं पे लेके जा रहे हो? चैन वुडी कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, वो इस टाइम पर इस पूरे एकेडमी की तीसरे नंबर की सबसे सुंदर लड़की है, वो बाकियों से अलग है। सुनैन कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मुझे बताओ उसमें क्या अलग है। चैन वुडी कहता है, सबसे पहली बात इस एकेडमी के अंदर बहुत कम लड़कियां हैं और जितनी भी लड़कियां हैं वो कुछ खास ताकतवर नहीं है, उन सभी के बीच में ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। न केवल ये बहुत ताकतवर है बल्कि बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है, यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती है, इतना काफी है। यूनिवर्सिटी का नाम सुनने के साथ ही सुनैन तुरंत ही इस लड़की पहचान जाता है। वो कहने लगता है, कहीं तुम मुरोंग की बात तो नहीं कर रहे? चैन वुडी कहता है, हाँ वही, उस लड़की का नाम भी मुरोंग ही है, क्या तुम पहले से उसे जानते हो? सुनैन कहता है, नहीं पर्सनली मैं कभी मिला नहीं, लेकिन जिस तरह की तारीफ तुमने उसकी की है ऐसी तारीफ मैं पहले भी सुन चुका हूँ, इसी वजह से मैं उसे थोड़ा बहुत पहचान गया। जी सुनकर चैन वुडी को मुंह तोड़ जाता है। वो कहने लगता है, मुझे लगा था मुझे कुछ जानकार मिल गया है, लेकिन तुमने तो सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया। अब हम भी उसके सामने बाकियों की तरह ही होंगे, हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो कि उससे मिलने के लिए जाने वाले हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर है, उसके अलावा उसके पास में एक काफी अच्छा स्टेटस है, लेकिन फिर भी हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, अब जल्दी चलो। ये कहते हुए चैंग वैंग और सुनैन दोनों वापस से वहां की तरफ भागने लगते हैं। यहाँ से हम कुछ मिनटों बाद देखते हैं एक घर के बाहर काफी सारे कल्टीवेटर खड़े हुए हैं। इन्हीं भीड़ के अंदर सुनैन और चैंग वैंग सबसे आगे हैं। ये घर के अंदर झांकते हैं, इन्हें वो लड़की दिखाई देती है। चैंग वुडी उस लड़की को देखता है और फिर कहने लगता है, तो क्या हुआ? सुनैन अब तो तुम कहोगे ना, ये लड़की बहुत सुंदर है। इसी टाइम पर सुनैन को याद आने लगता है, वो इस लड़की को पहचान जाता है। इसके साथ ही एक फ्लैशबैक शुरू होता है। लगभग एक साल पहले सुनैन जब क्वीन नियान था तब एक जंगल के अंदर शिकार करने के लिए आता है, तभी उसकी नजर एक हिरण के ऊपर पड़ती है जिसके ऊपर वो अपना चक्कू फेंक के मारने लगता है। इसी टाइम पर सुनैन की आंखों के सामने एक लड़की गिरती है जिसके सीने में एक तीर घुसा हुआ है। सुनैन के सामने आते ही ये लड़की तुरंत बेहोश हो जाती है। सुनैन जल्दी से उसे संभालने की कोशिश करता है, उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़की को बिल्कुल होश नहीं आता। इससे वो समझ जाता है इस लड़की की बॉडी के अंदर कोई पॉइजन फैल चुका है। इसके साथ ही उसे ये भी समझ में आता है आसपास में ऐसे लोग हैं जो कि इस लड़की को मारना चाहते हैं, अगर इसे बचाना है तो यहाँ से भागना होगा। ये समझ में आती सुनैन जल्दी से इस लड़की को उठाता है और फिर किसी शिव जी की तलाश में यहाँ से भागने लगता है और सीधे एक गुफा के अंदर पहुंच जाता है और फिर वहीं पे छुपकर उन लोगों को देखने लगता है जो कि इस लड़की को ढूंढने के लिए आए थे। कुछ देर तक इधर उधर घूमने के बाद में जब इन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता तो ये सब के सब यहाँ चले जाते हैं। इसके बाद में सुनैन इस लड़की के पास में आकर पहले तो इसकी बॉडी में से इस एरो को बाहर निकालता है और फिर अपने कुछ नॉलेज का यूज करके इसके पॉइजन के इफेक्ट को भी खत्म कर देता है, जिस तरीके से इस लड़की की जान बच जाती है, जिसके साथ ही ये फ्लैशबैक ही खत्म हो जाता है। उस टाइम पर क्योंकि सुनैन क्वीन फैमिली से जुड़ा हुआ था इसलिए उसे परमिशन नहीं थी कि वो रात के अंदर अपनी फैमिली से बाहर रहे, इसी वजह से उसे ना चाहते हुए भी उस लड़की को उसी बेहोशी की हालत में वहीं पे छोड़कर वहां जाना पड़ता है और इसी वजह से इन दोनों की पूर्ति से मुलाकात नहीं हो पाती। अभी सब कुछ अच्छे से याद आने के बाद में जब सुनैन अच्छे तरीके से इस लड़की को देखता है तभी उसे दिखाई देता है इस लड़की के पास में एक पेंडेंट है जो कि सुनैन का है। इसे देखते ही वो बहुत खुश जाता है और सोचने लगता है, मुझे लगा था ये मैंने खो दिया है, लेकिन ये तो गलती से इस लड़की के हाथ लग गया है। अब यहाँ पर कितना अजीब सीन क्रिएट हो जाएगा अगर यहाँ पर सबको पता चलेगा कि ये पेंडेंट जो कि ये लड़की संभाल के रख रही है ये मेरा है और मैं वो हूँ जिसने इसकी जान बचाई थी। ये सोचते हुए सुनैन बहुत खुश हो रहा होता है। इसी टाइम पर चैन वुडी को समझ में नहीं आता, वो कहने लगता है, क्या हुआ तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? जब मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आ रहा था तब तो तुम्हारे ऐसे एक्सप्रेशन नहीं थे। वैसे स्त्री का एक्सप्रेशन कुछ खास बड़ी बात नहीं है, तुमने पहले इस लड़की को देखा नहीं था, अब जब इसे देख लिया है
तो इस तरह के एक्सप्रेशन दिखाई दे सकते हैं। जिसमें सोनियान उस टाइम को याद करने लगता है जब उसने उस गुफा के अंदर इस लड़की के चित्र मरम्मटी की थी, जिस टाइम पर ये लड़की बेहोश थी। फिर वो जल्दी से उसको संभालता है और चैनबी से कहने लगता है, वैसे इसका एक्रेडिटेशन का लेवल क्या है? चैनबी कहता है, कुछ खास नहीं है, इसके पास में किंग लेवल का टैलेंट है, लेकिन सबसे स्पेशल बात यह है, इसको इस एकेडमी आए हुए 2 साल हो चुके हैं। इन 2 साल के अंदर ये इस एकेडमी की फर्स्ट 4 एलीट बन चुकी है। सुनयान और चैनवुडी ये सब बातें कही रहे होते हैं, तभी एकदम से सुनन को इस जगह पर एक बहुत ही जान पहचान से आवाज सुनाई देती है। ये आवाज है क्विंटियान की। ये भी यहाँ पर बाई कल्टर्स की तरह इस लड़की के पीछे आया है।